verpennt, dumm? क्या कर रहा है यार? बहुत उछल कूद हो गई आपकी। मेरी शादी भूल गया तू? चुप। अरे होने वाले ससुर, पागल हो गया क्या? तेरी बेटी मर जाएगी समझ रहा है तू? मेरी बेटी की जिंदगी खराब करेगा। ए! ए! औरी पहुंच खड़ी है बाहर मेरी। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मंडप पर नहीं पहुंचा ना, मर जाएगी तेरी बेटी, मैं बता रहा हूँ। बेटा इसको बांधो, अंकल को बांधो पहले। तेरी तो मैं बता रहा हूँ रुपेंद्र, तुझे ना आज तक छोटा भाई समझ कर तुझे नहीं छोड़ा था, इस बार नहीं छोड़ूंगा। छोड़ छोड़ मुझे, तू एक एक को पकड़ूंगा मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, हार नहीं मानता। आपका खेल खत्म हो चुका है। बेटा वो ईशिका के हाथ में जो रक्षा पोटली है ना, उसमें जो बम है उसका रिमोट इसके पास है, शैतान के पास है, ढूंढो। आपकी इस काली करतूत के बारे में सबको पता चलना ही चाहिए, आज तक आपके मोटा काका को। एक मिनट, एक मिनट बेटा। इस शैतान की जगह तुम मंडप में बैठोगे। अंकल मैं कैसे? तुम्हें सुना ना अभी इसने क्या कहा? अगर ये वहां मंडप में गया ना तो ईशिका की जान को खतरा हो सकता है, इसके आदमी वहां बैठे हुए हैं। प्लीज बेटा चुप, प्लीज बेटा तुम मंडप में बैठ जाओ। एक बार तुम मंडप में बैठ गए और ईशिका को तुम अगर सुरक्षित जगह ले गए, मेहमान चले जाएंगे तो उसके बाद हम इसे देख लेंगे। इस शैतान से 100 गुना अच्छे आदमी और अच्छे पति साबित हो सकते हो तुम ईशिका के लिए। आंटी अब समझाइए अंकल को प्लीज। प्लीज भगवान के लिए, जो कह रहे हैं वो कर दो। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन आंटी आंटी ये धोखे की शादी होगी, मैं धोखे की शादी नहीं कर सकता। मैं शादी नहीं कर सकता। प्लीज बेटा प्लीज, तू तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। रुपेंद्र प्लीज, प्लीज रुपेंद्र। रुपेंद्र हाउ डेयर यू, इतना बड़ा धोखा। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। ईशु बेटा इसमें रुपेंद्र की कोई गलती नहीं है, मैं सब तुम्हें समझाता हूँ। अब कुछ भी समझाना मतलब बाकी नहीं रहा है। कोई समझाना बताना बाकी नहीं है। ये शादी है, इसी का मेरी है। खबरदार आगे मत बढ़ना, मैं बता रहा हूं आगे मत बढ़ना, तो कोई भी आगे मत बढ़ना, आज ईशिका की जान जाएगी। गन उठाइए, गन। रणवीर क्या कर रहा है? काका आप पीछे बताइए। ए गोल्फिना, तो जी बुद्धि खराब हो गई है? खुद दरोगा होके कानून तोड़ रहा है तू? चल छोड़ दे छोरी को, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बुरा बेटा काका, मेरे साथ बहुत सालों पहले ही बुरा हो चुका है। से मैं विनती कर रहा हूं, आप पीछे हो जाइए वरना कुछ हो जाएगा आज। रणवीर चलो चलो चलो।
अंकल पानी अंकल मैं आपसे वादा करता हूँ ईशिका को कुछ नहीं होगा, उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा मैं। हार्दिक साला तू चिंता मत करो, तू ईशिका को देख यार। बस हो गई तेरी बकवास, एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना पता चलेगा। इधर बहुत सुन ली तेरी चै चै चै, अब बताता हूँ रणवीर सिंह वाघेला कौन है। मेरी बेटी के बारात को मंडप से लेकर नहीं जा सकते, सारे मेहमान आ चुके हैं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? इज्जत? अरे इन भाई, जिस घर में ये सब तमाशा हुआ हो उस परिवार में मैं अपने इकलौते बेटे का ब्याह कभी नहीं करूंगा। मुझे भी इस घर से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। अरे आप सब लोगों की ना औकात ही नहीं है हम जैसे इज्जतदार और शरीफ लोगों के साथ कोई रिश्ता रखें। अब चाहे जितने मर्जी महंगे गिफ्ट दे दो, लेकिन मैं पूर्वी से शादी नहीं करूंगा। जाइए पान दीजिए इसे किसी और के गले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? चल बेटा। हाँ हिमानी बहन, रणवीर भाई का फोन जैसे ही ट्रेस होता है प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा आप। तू फिक्र मत कर, मैं और हिमांशु उसे ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी। ये रणवीर भाई ईशिका को कहाँ ले जा सकते हैं? रणवीर प्लीज मुझे जाने दो। कहाँ लेके आए हो रणवीर तू मुझे? मेरे पापा, अगर मेरे पापा को तुम मर जाने दे। मेरा क्या, किसी ने मेरे बारे में सोचा है? बस चै 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 सबकी सुनता हूं, आज कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ रणवीर सिंह वाघेला बोलेगा। आज देखता हूं मुझसे कौन कुछ छीनता है। आज मैं बताऊंगा कि असली रणवीर सिंह वाघेला कौन है। यहाँ कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम हो और मैं हूं। हाँ जी, जो कुछ पता चला? नहीं रूप, लगता है रणबीर ने फोन कहीं फेंक दिया है, रैकर काम ही नहीं कर रहा है। Damn it.
वहां मेरी यीशु रणवीर के जंगल में फंसी और यहां मेरा सुहाग जिंदगी और मौत के बीच ये सब क्या हो गया मां? मेरी यीशु और मेरे सुहाग की रक्षा कीजिएगा। बचपन से लेके आज तक रुपेंद्र जो जो चीज चाहता है ना, और रणवीर चाहता है, रुपेंद्र तुझे चाहता है, मैं भी तुझे चाहता हूँ। और जब रणवीर कुछ चाहता है ना, आकर रहता है। मुझे छोड़ दो प्लीज, जाने दो रणवीर, मुझे हाथ छोड़ दो प्लीज, जाने दो, कुछ मत करो प्लीज मेरे साथ। उसे हाथ जोड़ते हुए तुम अच्छी नहीं लग रही। कहाँ गए तेरे देवर? कहाँ गई वो इशिका जिसे मैंने पसंद किया था? कहाँ है वो? जो ये जीप एक पुलिस जीप है ना, तो इसमें जीपीएस ट्रैकर तो होना चाहिए। अरे हाँ, ऑफ कोर्स होना चाहिए, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। थैंक्स रुपिंदर, हम ट्रैक करते हैं। मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत उतारे नहीं बल्कि उसे इज्जत दे, और जो आप करने जा रहे हैं उसे मर्दानगी तो नहीं कहते रणवीर भाई। तू मुझे मर्दानगी सिखाएगा? आजा। भाई भाई कुछ काम, अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा, यू आर सेफ, चले। आंटी, हम अस्पताल पहुंच ही रहे हैं बस। अंकल को बेस्ट डॉक्टर्स देख रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। खबरदार,
आगे मत बढ़ना, मैं बता रहा हूँ आगे मत बढ़ना, तो कोई भी आगे मत बढ़ना, आज शिका की जान जाएगी। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, सारी गलती मेरी है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। अंकल अंकल ठीक हो जाएंगे, ये मिसेस पटेल, वी हैव डन अ बेस्ट, अब तो सब रिकवरी के ऊपर है। डॉक्टर सही सही बताया ना पापा, पापा कुछ तो नहीं होगा ना, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना। अगले 24 घंटों में अगर होश आ गया तो ठीक है, वरना वो कोमा में भी जा सकते हैं। आंटी आंटी आप संभालिए अपने, प्लीज संभालिए अपने, प्लीज तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, ये कॉफी पी लो। हिम्मत रखो सब, कैसे ठीक होगा सबको, क्या मेरे अंदर जो दर्द है, जो डर है वो ठीक हो जाएगा? पहले तुमने मुझे पाना था, फिर तुम्हारे भाई ने मुझे छीनना था, क्या किसी ने ये सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? संदीप, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो इतना गिरा हुआ निकले। उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। लेकिन तुमने क्या किया मेरे से? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, यही कहते हो ना तुम? तुमने भी तो धोखा ही दिया ना मुझे, सहरा पहन के मंडप में बैठ के चुपचाप बिना बताए मेरे साथ फेरे ले लिए, क्या वो धोखा नहीं था? चीज बन के रह गई हूँ, सिर्फ एक चीज, जिसको कभी तुम पाना चाहते हो, कभी तुम्हारा भाई पाना चाहता है। आगे क्या करोगे? दुनिया को दिखाओगे कि देखो इशिका मुझे मिल गई? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? सच्चा प्यार करते हो ना तुम, मुझसे यही कहते हो ना ये प्यार है तुम्हारा? एक वो रणवीर अपना रूप मुझे दिखा। मैं जो भी कर रहा था तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा था। रणवीर, मुझे पता है। रणवीर ने जो मेरे साथ किया वो गलत था। गलती मेरी, गलती मेरी है कि मैंने उसे शादी करने के लिए हाँ बोला। गलती मेरी है कि मैं उस इंसान को समझ नहीं पाई। गलती मेरी है, पहले ही समझ जाना चाहिए था। मम्मी पापा के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। नहीं करना चाहिए था मुझे, पता है रुपिन,
ये जो कुछ हुआ ना मेरे साथ, जो खेल हुआ मेरे साथ, शादी से विश्वास उठ गया मेरा।